इंडिया को दे ही देता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट उसके यहीं पे सेल होते हैं, इंडिया वाले सबसे जल्दी खरीद लेते हैं चाइना कोई भी प्रोडक्ट। तो दोस्तों वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। बट आज हम बात करेंगे कि चाइना बहुत कुछ सेल करता है यहाँ पे, बट वो क्या वो एप्लीकेशंस यूज़ करता है जो हम यूज़ करते हैं, जो डेली लाइफ में मुझे लगता है सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे आज इन सबके बारे में। आपको पता है चाइना व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, आपको पता है चाइना फेसबुक भी यूज़ नहीं करता, आपको ये भी पता होगा कि चाइना ट्विटर भी यूज़ नहीं करता और चाइना यूट्यूब भी यूज़ नहीं करता है। यस दोस्तों, बिल्कुल सीरियस है ये। और आप सभी को पता होगा, इस टाइम अगर आप यूट्यूब या गूगल कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन सब के बदले वो ये एप्लीकेशंस यूज़ करता है। आखिर क्यों यार, जब चाइना अपने मतलब देखो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और वो कितना मतलब अलग सोच रखते हैं वो अपने। आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, अगर सबसे ज़्यादा आबादी देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो चाइना की है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। और इस टाइम अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चाइना में अगर रन होने लगे तो मतलब कितना ज़्यादा उनका रेवेन्यू हो सकता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो जितने जितना वो अर्न कर रहे हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं वो लोग, लेकिन उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अगर वहाँ पे चलता ही है तो। लेकिन चाइना ने सबको बैन कर रखा है वहाँ पे। वहाँ पे एप्लीकेशन चलते हैं व्हाट्सएप की जगह वी चैट। हालांकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आप सबको दूँ, बिकॉज ये सब इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके पास होनी चाहिए। आप लोग को भी पता होना चाहिए कि यू नो इंडिया के बाहर या फिर चाइना में जहाँ से ये कोरोना वायरस आया है वो लोग ये सब एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करते हैं, और यूट्यूब यूज़ नहीं करते हैं, यूट्यूब की जगह यू को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप की जगह वी चैट यूज़ करते हैं। आप सभी को पता होगा वी चैट का प्रमोशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ था, टीवी एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, जबकि व्हाट्सएप ने आज तक कभी नहीं किया। फेसबुक अपना प्रमोशन टीवी एड्स पे करता है और भी अदर एप्लीकेशंस पे करता है। रेन जो है .com, ये फेसबुक का मतलब एकदम सिमिलर एक वेबसाइट है या आपका ऐप कह लीजिए, जो कि बिल्कुल इंडिया में तो कोई यूज़ नहीं करता इसे, और वी चैट जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में। लेकिन रेंडरन डॉट कॉम, वी चैट, वीबो, यूकू, ये सारे एप्लीकेशन चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए आप सभी को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ज़रा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए रेंडरन डॉट कॉम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चाइना में, बिल्कुल फेसबुक की तरह है ये। लॉग इन साइनअप करना है। यूकू ये बिल्कुल यूट्यूब की तरह है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल यूट्यूब की तरह है, आप लोग देख सकते हैं। सब इस पे चाइनी लैंग्वेज के सारे मूवीज़ या उनके जो सॉन्ग्स रहते हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड, आपको मैं दिखाता हूँ। ट्विटर भी इंडिया चाइना में यूज़ नहीं होता। ट्विटर की जगह वो लोग क्या यूज़ करते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ट्विटर की जगह वो लोग यूज़ करते हैं वीपो। ओके ये देखिए सिमिलर एकदम, ये ट्विटर की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है। बट सोच सकते हो आप लोग, वो लोग ये जो पूरे वर्ल्ड यूज़ करते हैं बट वो लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, सोचने वाली बात है यार दोस्तों। वी चैट ये देखिए, वी व्हाट्सएप की जगह ये लोग वी चैट यूज़ करते हैं। ये देखिए चाइना का वी चैट, सी पता चल जाएगा यहाँ पे। वैसे मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये इतना ही था कि अगर यू नो जब आप कोई अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो या फिर जब आप कोई अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये भी बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशंस किन किन देशों में चलेगा, मतलब जब जब भी वो कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर वो चाहे वीडियो स्टेटस का हो, फिर वो चाहे एजुकेशन हो, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि उनके क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया से भी होंगे, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो वो कित मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के बाहर चलेगा ही, मे बी बैन हो सकता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाओ तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखो कि आपको एप्लीकेशन बनाते समय मतलब अगर आप लोग मेनली जो टारगेट ऑडियंस है आपके वो कहाँ के आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि देखो दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो एप्लीकेशन के ऊपर और आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको मुझे जहाँ तक समझ में आता है आपको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। टारगेट ऑडियंस जो आपको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं
उनके लिए ही आपको बिल्ड करना चाहिए। इवन जैसे जब मैं एप्लीकेशन या जब मेरा यूट्यूब चैनल जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ये सिर्फ मतलब मुझे पता है एप्लीकेशन से रिलेटेड ही मतलब वीडियोस वॉच करना पसंद करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के डाल दूँ तो आप लोग बिल्कुल वॉच करना पसंद नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर फ्यूचर में कभी एप्लीकेशन बनाते हो तो कौन से आपकी ऑडियंस कितनी मतलब कहाँ तक टारगेट कर रहे हो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए। और मे बी अगर आप इसके ऊपर बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं ना, मेरा मन करता है कि इसके ऊपर डिटेल में बताऊँ बट ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं तो मैंने सोचा बस एक बेसिक डिटेल आपको दे दूँ। फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं इसके आगे वीडियो मतलब इसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफ डिटेल आपको दूं क्या। थैंक यू फ्रेंड्स।